मौसम थोड़ा सा जैसे ही ठीक हुआ, थोड़ी थोड़ी आज धूप निकली है, तो हमने भाई मिट्टू को खुला छोड़ दिया। और इसके काम चेक कर रहे हो, ये यहाँ से चला है आहिस्ता आहिस्ता इस पाइप से होता हुआ इस पौधे पर और कहाँ पर जाके बैठ गया। हाँ मिट्टू, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर इधर ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, ये मौसम ठीक हुआ तो इतने दिनों बाद बाहर आए हो, है ना? हाँ, बड़े बड़े खुश खुश लग रहे हो। अच्छा चलो बैठे रहो, ठीक है, ज्यादा तंग नहीं करता मैं आपको। Assalamualaikum everybody, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो यार आज जाके फाइनली भाई इतने दिनों बाद धूप निकली है और देख लो धूप नीचे तक आई हुई है, तो मैं कहा यार चलते हैं जरा सेटअप पर और चल के अपने सभी पैट्स को खोलते हैं। अभी चुटकू जलेबी को भी चेक करते हैं, भाई सुबह तक तो इन्होंने कोई अंडा वगैरह नहीं दिया हुआ था और अब एक दफ़ा और देख लेते हैं, क्या पता भाई इन्होंने अंडा दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अंडा तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, खैर कोई ना यार, दे देंगे इंशाल्लाह। पर भाई हमारे सिर्फ दो रैबिट्स रह गए हैं। कल पता है यार क्या हुआ, मैं ऊपर आया सेटअप पर शाम टाइम इनको जब खाना खिलाने आया, तो जो हमारा बच्चा था रैबिट का एक बच्चा, वो यार बिल्कुल मरने वाला हुआ पड़ा था। पता नहीं उसको क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही, वो मरने वाला हुआ पड़ा था। तो कि यार वो कंडीशन बिल्कुल भी देखी नहीं गई, तो मैंने उसको यार ज़िबा करवा दिया। मैंने कहा ऐसे वो बेचारा तड़प तड़प कर मर रहा है, इससे अच्छा है कि चलो इसको छुरी फेर देते हैं, ईजिली उसकी यार जो जान निकलनी है वो निकल जाएगी। समझ नहीं आ रही यार कैसे हमारे रैबिट्स मर रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो बड़े रैबिट्स रह गए हैं, मेल और फीमेल। हमारे पास टोटल पांच रैबिट्स थे, जिसमें से तीन बच्चे थे इनके और दो ये बड़े थे, अब सिर्फ दो ही रह गए। तो यहाँ से भी अपना देसियों को भी खोल देते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आराम से आया करो, आराम से। चलो चलो चलो, शाबाश। शायद भाई ये अंडा दे दें इनका, एक तो पता भी नहीं चलता ना, कोई अंडा शंडा नहीं दिया हुआ। हाँ कोई अंडा नहीं है, ये इतनी जल्दी अंडे नहीं देती, क्या बात है। वो पड़ा है ना जाके वो खाओ, क्या ढूंढते फिर रहे हो। ये देखो भाई पहुंच गए फीड पे पहुंच गए, ये देखो फीड पे पहुंच गए। रुको रुको मैं डालता हूँ एक मिनट रुको। तो फीड शीट डाल दी है, जो हमारे चुटकू जलेबी भी खा रही हैं, बाकी ये हमारा असल जो है देसी मुर्गियों के लिए जो अंडों वाली फीड है, बाकी चुटकू जलेबी खा लें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और हाल चाल है आप सबके, ठीक हो माशाल्लाह से? भाई जो बड़े वाले हैं हमारे चारों के चारों कबूतर बिल्कुल ठीक हैं, और बाजरा इनके पास ख़त्म है, बाजरा इनको रख देंगे। और माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, देख रहे हो हमारे जो बेबी पिजन्स हैं कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ये जल्दी जल्दी से सही सलामत बड़े हो जाएं। और अभी इनको भी बाजरा रखते हैं बाहर, सबको बाजरा डालते हैं और चलते हैं मेगा केज के अंदर। अरे सारे पिजन्स बाहर चले गए, लेकिन मैंने बाजरा रख दिया था और इनका दरवाज़ा खोल दिया, और ये सारे के सारे भाई ये चेक करो माशाल्लाह, ये हमारे सारे कबूतर यहाँ फिर रहे हैं। दाना शाना इनको यहाँ डाला था, लेकिन ये मुर्गी आ गई तो ये सारे भाग गए वहाँ पर मेगा केज के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भाई मेगा केज में आ चुके हैं माशाल्लाह से, दोनों वाइट का पेयर भाई यहाँ पर बैठा है। यार पता ही क्या, पहले ये होता था कि जो हमारे वाइट वाले घूम रहे हैं ना, ये अंडे देते थे, तो ये जो ब्राउन वाला जो एक मेल था, जो उसका तो वो मेल था ना, वो भाई पता नहीं इनके अंडे खराब कर देता था या जो भी मसला होता था, ये हर दफा अंडे देते थे और इनके अंडे भाई जाया हो जाते थे ना। तो वो बेचारा मेल रहा, वो उड़ गया यहाँ से, मेल उड़ गया और ये दोबारा से भाई इन्होंने अंडे ही नहीं दिए। पता नहीं क्या मसला है, आप लोग क्यों नहीं अंडे दे रहे हो? अब तो कोई आपको तंग नहीं करता ना, अंडे दो, कौन सी जगह है आपके पास, अंडे शंडे दो, क्यों अंडे नहीं देते हो? बाकी भी तीन तो कितने प्यारे लग रहे हैं, देख लो माशाल्लाह यार कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। एक तो उस घर के अंदर होगी, क्योंकि येलो वाली जो है ना, प्योर येलो जो हमारे पास पहले थी, वो तो भाई उस घर के अंदर होती है, वो जो ऊपर सामने वो वाला घर है ना। और बाकी भाई बाकी तीन हमारे तोते नहीं नजर आ रहे भाई, तीन तोते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक तो पॉसिबल है कि पूरा का पूरा जोड़ा उस वाले घर के अंदर बैठा हो, लेकिन बाकी कोई और दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर भाई एक हमारा खुमरा यहाँ पर बैठा है, क्या हुआ है आपको, आप ठीक हो? मैं जरा ऊपर चढ़ के एक बार तसल्ली कर लेते हैं, क्या पता उस घर के अंदर पता नहीं है भी या नहीं भी। यहाँ पर हमारी सिर्फ एक फीमेल बैठी है और एक नहीं मुझे दिखाई दे रहा यार, देखो ये फीमेल बैठी है, मुझे लगता है इसने दोबारा से अंडे शंडे दे दिए। हाँ अंडे दे दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई वो बैठा सामने ऊपर, कितना ज्यादा उसने तंग किया है माशाल्लाह, चार हो रहे और एक फीमेल हमारी जिसने अंडा दिया वो इसके अंदर है, और एक तोता पता किधर चला गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और वो एक तोता यार ये रहा, ये बेचारा मर गया, पता नहीं क्या हुआ इस चेहरे को, सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है यार, बहुत ज्यादा सर्दी होना शुरू हो गई है। इतना प्यारा तोता था यार माशाल्लाह, ये मेल था जो हम नया लेकर आए थे ना, ये वो मेल है, और ये बेचारा मर गया यार, बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा, फुल ठंडा। अभी इसको बाहर लेके चलते हैं। तो
बाकी माशाल्लाह से उस वाली फीमेल ने यार मुझे लगता है अंडे शंडे दिए हुए हैं, और जो चार तोते हैं हमारे वो ये ऊपर रहे, चार और एक पांच और एक छह, ये रहा हमारे पास टोटल छह थे, और जिसमें से भाई एक ये मर गया, बाकी पांच और है। सर्दी यार बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है, तो जिस वजह से भाई बस ये एक महीना है, अल्लाह करे यार ये सारे अच्छे से बस सर्वाइव कर जाए, कोई और मजीद नुकसान ना हो। अब इसको जरा बाहर लेके चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चुटकू जलेबी के भाई काम चेक करो। चार ये ऊपर बैठे हैं, पूरा का पूरा दो जोड़े ऊपर बैठे हैं और एक जोड़ा ये रहा। हमारा चुटकू है ना, ये इनको भाई इतना तंग करता है, ये बेचारे खा भी नहीं सकते, ये उस साइड पे जाते हैं और चुटकू इनके पीछे लग जाता है। कि यार ये मैं तोता बिठा के ले आया हूं, जो बेचारा मर गया यार। मार्केट जाएंगे, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, फिर हम काफी सारे यार तोते लेकर आएंगे, और फिंचिस भी लेकर आनी है, लेकिन मौसम यार बहुत ज्यादा ठंडा है, सर्दी बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, जिस वजह से भाई हमारे परिंदे मर रहे हैं। हमारे तीन रैबिट्स भी मर गए, दो रैबिट्स रह गए, और ये यहाँ से हमारा भाई एक बजी भी मर गया, इसको जरा यहाँ पर रखते हैं। नहीं ये देखना भी देखना, ये देखो ये देखो, ये होते हैं हमारे चुटकू के काम, ये चेक कर कैसे भागा आता है इनके पीछे, इनको फिरने नहीं देता बिल्कुल भी, बस इनके पीछे 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 भागता रहता, देखो कैसे उड़ उड़ के जा रहे हैं भाई। इनके इतने इतने पर हैं कि ये इतना इतना उड़ लेते हैं, और मुझे भी इनके पर भी चेक करने कि ज़्यादा बड़े तो नहीं हो गए, पता लगे यार ये उड़ जाएँ, क्योंकि चुटकू इनको डराए और ये उड़ के कहीं पर चले जाएँ, तो मुझे इनके पर देखने पड़ेंगे, अगर ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो हम इनके काट देंगे। यार सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और डेली भाई कोई ना कोई हमारा एक पेट मरता जा रहा है, कल रैबिट भी मर गया, उससे पहले भी एक रैबिट मर गया, और आज भाई हमारा ये तोता मर गया। तो सेटअप से भाई आज एक और हमारा पेट हमें छोड़कर चला गया, और ये हमारा ऑस्ट्रेलियन पैरट है, जो बहुत ज़्यादा प्यारा था। माशाल्लाह से हमारे पास सिर्फ छः थे, और सर्दी थी तो मैं ज़्यादा लेकर नहीं आया था, मुझे पता था कि यार सर्दी में ना ये छोटे छोटे से तो खुद होते हैं, तो मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। एक डेढ़ मंथ की बात है, जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज होगा हम दोबारा से फिंचिस और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स काफ़ी सारे लेकर आ जाएंगे। आज की इस वीडियो को यार यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।